नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में चंदन की खेती का एक पहला प्लांट लगाया जा चुका है। फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी में किसान सुरेंद्र कुमार ने 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगाए हैं। इसकी ग्रोथ भी पूरी तरह से सफल है। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरसिंह बांगड़ ने बुधवार को किसान सुरेंद्र कुमार के चंदन की खेती के प्लांट का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि खाराखेड़ी गांव के किसान सुरेंद्र कुमार द्वारा वैकल्पिक खेती के तौर पर 2 एकड़ में की गई चंदन के पौधों की खेती एक प्रेरणा देने वाला कदम है। डीसी ने बताया कि मैंने सुरेंद्र कुमार द्वारा चंदन की खेती का अधिकारियों के साथ एक निरीक्षण किया। चंदन की खेती के लिए प्रति एकड़ करीबन 4 लाख रुपये का खर्चा आता है और 10 साल बाद 1 एकड़ से करीबन 1 करोड़ रुपये की आमदनी चंदन की खेती से किसान कर सकता है। डीसी ने बताया कि वैकल्पिक खेती के तौर पर चंदन के पौधे इस प्लांट में अन्य फल और फसल बिजाई करके भी अतिरिक्त आमदनी उठाई जा सकती है। किसान सुरेंद्र कुमार ही ऐसा ही कर रहा है। वहीं सुरेंद्र कुमार ने बताया कि चंदन के पौधे वह कर्नाटक और मैसूर से तथा हिमाचल से लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में मेरे मित्र की मदद से गाँव में लाए और कृषि विभाग के रिटायर्ड SDO के और वहां उनसे मदद लेने के बाद मैंने अपने खेत में चंदन की खेती शुरू की। 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगाए और 10 साल बाद ये पौधे पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। चंदन की ये पेड़ प्रति एकड़ करोड़ों रुपए का मुनाफा दे सकते हैं। फुटा होगा जी, फुटा होगा, फुटा हो सर्दी में। मैं सुरेंद्र पुत्र अनमान गांव खाराखेड़ी का रहने वाला हूं और मैंने चंदन की खेती कर रखी है। चंदन की खेती का आइडिया मेरे दोस्त माधुर रुद्रा का था और टेक्निकल देख रेख डॉक्टर श्रीमान रामपाल चांगवान रिटायर्ड SDO एग्रीकल्चर विभाग हरियाणा का रहा। चंदन के एक पौधे का खर्चा 1000 रुपये रहा और 1 एकड़ के अंदर लगभग 320 पौधे लगे हुए हैं और 10 साल बाद प्रति एकड़ आमदनी 3 से 4 करोड़ रुपये रहेगी। चंदन की खेती के साथ साथ हमने इसमें 3 साल तक चने की खेती की और अब चंदन के पौधों के बीच में हमने पपीते के पौधे लगाए हैं। हमारे पौधे मैसूर से मंडी हिमाचल आए और वहां से हमारे खेत में पहुंच गए और फतेहाबाद के DC महोदय इस प्लांट का निरीक्षण कर चुके हैं। मेरी सोच थी कि कुछ अलग किया जाए, इसलिए मैंने परंपरागत खेती को छोड़कर चंदन की खेती की जो कि काफ़ी फायदेमंद है और हरियाणा में चंदन की खेती सबसे पहले मैंने की है। हरियाणा में अब तक चंदन की खेती कहीं नहीं होती है। सर, किसान खाराखेड़ी गांव का जो है वो चंदन की खेती कर रहा है, किस प्रकार से जो खेती कर रहा है और आपने आज विजिट की है, कैसा देखा? मैं गांव खाराखेड़ी में गया था तो वहाँ पर किसान श्री सुरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 2 एकड़ में लगभग 450 के करीब चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं। वो पेड़ अभी लगभग 10 वर्ष में पूरे होंगे और ये विविधीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे ज़िले के अंदर पेश किया गया है कि हम यहाँ पर चंदन का भी पेड़ उगा सकते हैं। और वो बड़ी मेहनत से उन्होंने दिखाया मेरे को सारा खेत, जो बहुत अच्छे पौधे बहुत अच्छे पेड़ उनके अब बढ़ रहे हैं आगे। सर, 1 एकड़ में कितनी कीमत से ये लगाएंगे? जैसा कि सुरेंद्र सिंह किसान ने मुझे बताया कि इसमें लगभग 1 एकड़ पर 4 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है और ये पेड़ 10 साल में पूरा अपने यौवन पर होगा जब ये कटाई के समीप आता है।
तो उस वक्त इसकी जो कीमत आएगी वो लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज़्यादा में ये इसके बिकने से आमदनी का एक जरिया बनेगा। इस दौरान ये भी है कि बीच में जो पेड़ लगे हुए हैं चंदन के, उनके बीच में भी पपीते के पेड़ भी लगाए हैं और दूसरी भी फसलें वो अपनी बराबर ले रहे हैं। तो लगातार 10 साल तक वो इस खेती के अलावा दूसरी खेती भी उसमें कर सकते हैं? वो बराबर इसके साथ दूसरी खेती भी कर रहे हैं और उसमें जैसे मैंने बताया कि पपीते के पेड़ भी उन्होंने लगाए हैं और अन्य भी वो अपनी फसलें इसके जो बीच में जगह बची हुई है उसमें अपनी फसलें उठा रहे हैं। तो ये सर पौध वगैरह कहाँ से लाई गई, कुछ बताया किसान ने? जैसे कर्नाटक का जिक्र आ रहा है कि कर्नाटक में जैसे चंदन की खेती। इसके लिए उनके कोई मित्र थे किसी न्यूज चैनल के ही, जिन्होंने उनको प्रेरित किया पहली बार, और वो कई उनको कुछ पेड़ उन्होंने शुरू में लाकर दिए और जब उन्होंने लगाए और उस पर मेहनत की, उनका पूरा परिवार वो खेती में शामिल है। वो 6 भाई हैं चाचा ताऊ के कुल, तो 6 के 6 भाई वो चाचा ताऊ के इकट्ठा उनका संयुक्त परिवार है, तो सारे मिलकर वो खेती का अपना काम संभालते हैं। तो मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही आपसी प्रेम से और लगाव से और बहुत समन्वय के साथ काम अपना करते हैं। तो वो जो पेड़ किसी उनके मित्र ने दिए थे, उन्होंने वो एक बार शुरू में लगाए तो उनको अच्छा लगा, और वो क्योंकि पेड़ जब ग्रो करना शुरू हुआ तो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिला। उसके बाद उन्होंने बाकी भी पूरे 2 एकड़ के अंदर ही लगाए। तो हरियाणा में पहला ऐसा फतेहाबाद जिला सर जहाँ चंदन की खेती की जाए? हाँ जी, मैंने इस बारे में कृषि अधिकारियों से भी बात की और मुझे ये बताया गया कि चंदन की खेती, चंदन के पेड़ केवल यहाँ पर हमारे खाराखेड़ी गांव में ही किसान सुरेंद्र सिंह जी ने उगाए हैं। तो ये पेड़ जो है सर, ये मतलब कर्नाटक से पौध लाई गई इनकी सर? इसकी इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मगर उन्होंने अपनी ये एक नर्सरी है चंदन के पेड़ की, वहाँ से उनके मित्र ने ये उपलब्ध करवाए थे।